Uh, next question question says a cylindrical vessel containing a liquid is rotated about uh, its axis so that the liquid rises uh, at its side as shown in the figure radius of vessel is 5 centimeter and angular speed of rotation is omega रेडियन पर सेकेंड सवाल है डिफरेंस इन हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ लिक्विड एट द सेंटर ऑफ एक्सल एंड एट द साइड विल भी बहुत ही आसान सवाल है मेन्स में पहले भी ये सवाल दो बार पूछा जा चुका है सो so, इसको दो तरीके से करते हैं पहला तरीका तो वो डायरेक्ट इसका जो फॉर्मूला है जो हम क्लास में पढ़ते हैं मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि बेटा दो बार मेन्स में पूछा जा चुका है डायरेक्ट फॉमूला यह हमको आना चाहिए सो स्नैरियो ये है कि यह आपका कंटेनर है और कंटेनर को जब आपने ऐसे करके घुमाया है तो लिक्विड आपका ऐसे राइज कर गया यह है ये आपका लिक्विड है और आप ओमेगा से इसको ऐसे घुमा रहे हैं जो कर्व है इस कर्व की क्वेश्चन हम लिखते हैं वाई इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू जी ये डायरेक्ट आप फॉर्मूला यहाँ यूज़ कर सकते हैं सो so, यहाँ पे एक्स की वैल्यू अपने को पाँच दी हुई है सो so, ये जो आपकी हाइट आएगी एच सो एच विल भी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय फाइव स्क्वायर डिवाइड बाई टू जी यानी कि एच की वैल्यू ट्वेंटी फाइव ओमेगा स्क्वायर बाय टू जी हो जाएगा सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि आपको ऑप्शन नंबर ए वुड बी द राइट आंसर ये आपकी डायरेक्ट वैल्यू आपको यहाँ मिल जाएगी ना ये आया कैसे एक बार डिराइव भी करके देख लेते हैं सो uh, so, यहाँ पे अगर प्रेशर इक्वेशन अगर हम लगाएँ ए और बी के बीच में सो लेट्स ये जो आपके पॉइंट्स हैं इनको हम uh, ये आपका डिस्टेंस यहाँ से आ, आर है आ, और इसको हम पॉइंट ए कह दें इसको हम पॉइंट बी कह दें तो यहाँ जो प्रेशर की इक्वेशन लगाएंगे सो दैट विल बी इक्वल टू पी नॉट प्लस रो आर ओमेगा स्क्वायर बाय टू मल्टीप्लाइड बाय आर माइनस रो जी एच विल बी इक्वल टू पी नॉट ये आपकी इक्वेशन ए और बी के बीच में ऐसे आपकी बरनौली बन जाएगी हालांकि सो so यहाँ से पी नॉट और पी नॉट विल गेट कैंसल्ड और जब इन दोनों को इक्वेट करेंगे आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू आर विल बी इक्वल टू रो जी एच तो यहाँ से आपका रो विल आल्सो गेट कैंसल और एच की जो वैल्यू है वो सेम वैल्यू आ जाएगी दिस विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय टू जी हालाइट सो आपकी की एच की वैल्यू आ जाएगी सो so, डायरेक्ट इसको रख के भी आप अगर ये फॉर्मूला ध्यान रहे तो हमेशा हेल्प करता है सवाल में सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर